तो ये रेडी हो गया, बटर चिकन रेडी। सो अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन, क्या बटर चिकन बनाने जा रहे हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन बॉईल कर रहे हैं भाई। अब ये बॉईल करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताएंगे ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चिकन बॉईल हो रहा है और यहाँ पे टमाटर पीसे हैं और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की चीज़ें अभी चालू है करना। तो फिर जैसे जैसे रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहला है कि चिकन बॉईल करना है। तो अभी चिकन यहाँ पे बॉईल हो चुका है और अभी इसको बारीक पूरा तोड़ लेंगे अच्छे से। इसको पूरे इसके रेशे नहीं, क्या गोश्त निकाल के हड्डी फेंक देंगे भाई। बाद में फिर हड्डी खाएंगे ना भाई, भाई बाद में बोले हड्डी मैं खाऊंगा, तो इसीलिए हम हड्डी निकाल लेंगे पहले। तो अभी इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, गोश्त का पूरा रेशा निकाल लेंगे और ये देखो हड्डी बाद में भाई खाएंगे, तो उसका व्लॉग नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कांदा फ्राई कर रहे, एकदम लाल नहीं करना है, हल्का पीसे जैसा ब्राउन करना है ना। हाँ, तो इसको अच्छे से भी भून लें। तो देखो कांदा बघार के हो गया, अब इसको पूरा इसका पेस्ट बना लेंगे। और बाकी के मसाले, ये है गरम मसाला पाउडर, ये है नमक का लाल कलर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी। तो ये सब पूरा अपने हिसाब से, जितना गोश्त रहेगा उस हिसाब से सब अपने हिसाब से बराबर बराबर ले लेना। सबसे पहले गैस चालू करके उसको कोयला रख देना, ताकि वो कोयला बाद में गर्म करने में अपना गैस वेस्ट ना हो। अच्छा। और उसके बाद है ना इसमें तेल, एक काम में दो काम। तो ये कोयला क्यों ऐसा कर रहे, कोयले को स्मोक देने के लिए ना। बाद में अगर अपन उसको वो करेंगे ना, तो गैस अपना ज्यादा वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अच्छा, मतलब कोयला जला रहे, बस कोयला भी जला रहे और मसाला भी भून रहे। हाँ। तो देखो मसाला यहाँ पे कैसे भून रहे, ये उसी की रेसिपी है। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है, तीन चम्मच, ये डेढ़ किलो चिकन है बोनलेस है। और उसके बाद में जो है तो ये सारे आइटम इसके अंदर एक साथ अपन डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से भून लेंगे, तेल सीखने तक अच्छे से मिक्स करके भूनने लग जाएंगे। तो देखो इसको अच्छे से भून लिए हैं और अभी इसके बाद में जो उसके अंदर दही डालेंगे, कम से कम पाव किलो के आसपास, क्योंकि हमारा एक किलो चिकन है ना, इसलिए एक है, डेढ़ है, एक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये छोड़ दिया है, इसके बाद में जो है तो इसके अंदर हम लोग चिकन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैसा, पकड़ के बिना कुछ खाना नहीं होता। हाँ ना, तो अभी इसको कुछ करने जा रहे, भाप वाप देने जा रहे। कोयला रेडी हो गया, हो गया। इसके बीच में ऐसा ठंडा करके, ये मेरी चांदी की कटोरी रखते मेरे बेटे का खिलौना चिमटा है, अभी चिमटा लेके कोयला पकड़ के उसमें डाल देंगे, अच्छे से बीच में रख देंगे, ढक देंगे। ढक्कन तेल डालेंगे, फिर इसको ढक्कन ढक देंगे तेल डाल के। अच्छा, कोयले की भाप दे देंगे। और भाभी यहाँ पे ये घसरे काजू घसरे, और यहाँ पर अभी कहाँ तक गई गाड़ी, क्या क्या कर रहे साहब अभी? अभी अपने ना ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए। लो ये वॉलपेपर पे छुट्टे थे, वो कितने उड़ गए, गंदा हो गया, सब निकाल देना पड़ेगा। ये एक किलो के अंदाज में कितना तेल बता दो, तेल की पल्ली छोटी है इसके लिए, 15 पल्ली जिसमें तेल डालना पड़ा। अगर हाँ तो छोटी है ना भाई, ये शबनम भी छोटी ही है। और हाँ, और अगर आपकी पल्ली बड़ी है तेल की, तो आप लोग 10 ही डालना। और इसके बाद में जो है उसमें हम डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी जो पहले से पीस कर रखी हुई थी,
और टमाटर टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद में उसको अच्छे से भून लेना। उसके बाद में उसमें जो प्याज हमने जो यहाँ पर पीस करा था उसको डाल देंगे। ग्रेवी जो होती है हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। तेल इसका देखो सारा ऊपर आ गया तेल। और इसके बाद हम दूसरे स्टेप में डालेंगे, इसमें दूसरे स्टेप में जो होती है अमूल का फ्रेश क्रीम है, तो इसमें अपन तकरीबन आधा डब्बा डाल देंगे। और इसके बाद में फौरन ये काजू है, कम से कम 100 ग्राम ये काजू भी इसके अंदर डाल देंगे। 100 ग्राम काजू। फिर इसको अच्छे से भूनने के बाद में जो है तो आखिरी में इसमें प्याज डालना, क्योंकि प्याज हमने पहले रोस्ट किए तो प्याज पकी हुई है, उसको बाद में भी डालेंगे तो चलता है। और ये होने के बाद में जो है तो इसमें मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें देख के मतलब डाल सकते हैं, और फूड कलर उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 1 किलो का आपका बजट है तो ये पूरी 1 डब्बी आपको फूड कलर इसमें डालना पड़ेगा, आधा जो तो चिकन में और आधा ग्रेवी में। ये पूरा जो है तो पक के तैयार हो चुका है। इसका तेल वगैरह भी देखो आप अच्छे से ऊपर आ गया है। अभी इस स्टोव पे जो है तो हम यहाँ पे जो हमने स्मोक दिया था कोयले का हमारे चिकन को, तो ये चिकन जो है तो हम इसके अंदर अब ट्रांसफर करेंगे। उसके पहले आप इसके अंदर अमूल बटर असली बटर भाई मतलब हाँ खुशबू एक नंबर आ रही है शबनम कैसी है। इसमें आप आधे से थोड़ा कम बटर ऐड कर देंगे और ऐसा तेल भाई तुमने ही उड़ाया मेरे को लग रहा है। मेरे ये असल में ना प्यूरी जो बनती है ना टमाटर की, उसका तेल उड़ता ही है। और ऐसा मस्का डालने के टाइम तेल भी थोड़ा सा दीवार पे मारेंगे, तो दीवार पे मालूम पड़ना चाहिए। उसका काम नहीं है ना बनाने का तेरे किचन में, इसके लिए इसमें कलर जितना अच्छा रहेगा उतना कलर ना बड़े तो दो डब्बी डाल देने का जितना अच्छा रहेगा। नहीं भाई दो डब्बी डालेंगे कड़वा हो गया तो फिर बोलना नहीं बात। दो डब्बी डालने का नहीं अपना ज्यादा था ना खाना, इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा बढ़ा के डालो तो कलर अच्छा दिखेगा, तो खाने में भी मजा आता है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना और अभी इसमें कांदा डाल रहे जो मिक्स करके पीसे थे अपन ने, कांदा जो भून कर जो तो पीस के रखा हुआ था इतनी देर से, अभी लास्ट में जो ऐड करेंगे इसको। और पानी इसमें बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि ये पूरी रेसिपी जो है तो ये ठीक होती है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना। हाँ गोश्त के हिसाब से नमक डाला था, ये ग्रेवी में थोड़ा अपने हिसाब से नमक ऐड कर देना। और उसके बाद में जो है तो लाल मिर्च अगर आपको जितना तीखा पसंद है उतना उसके हिसाब से आप इसमें ग्रेवी में तेज है कि कश्मीरी है। नहीं नहीं ये तेज लाल मिर्च है। और इसके बाद जो है तो उसको मिलाने के बाद इसमें जो हम चिकन ऐड करेंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप कि अपन इसमें से जो स्मोक दिए थे चिकन वो निकाल के सारा जो है तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे ग्रेवी के अंदर। और इसमें कोयले का जो है तो स्मोक बहुत अच्छे से हो गया है। तो इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना। हाँ पूरा अच्छे से मिक्स कर रहे, मालूम पड़ा ग्रेवी अलग हो गई, चिकन अलग हो गया। और पीछे भी गिराते जाने का थोड़ा थोड़ा, वो तो गिरेगा ना भाई, अभी वो कढ़ाई पानी नहीं मार लेगा ना इसमें, पानी बिल्कुल नहीं, ऐसी बस बिल्कुल जैसा होटल में अपने जो सर्व करते हैं। दमा बेचने का नहीं है तो ये बेचने के हिसाब से नहीं, खाने के हिसाब से तो वो हिसाब से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं। हाँ और डेकोरेशन के बाद इंशाल्लाह और मस्त लगेगा। ये लास्ट स्टेप, इसके ऊपर अपन डेकोरेशन करो, कितना भी क्रीम डालो, जितना क्रीम डालोगे उतना क्रीमी बनेगा। और ऊपर से इसके जो है तो बटर छोड़ देने का, तो सारे उसमें बटर चिकन तो ये रेडी हो गया, बटर चिकन रेडी। तो गाइस वहाँ पर रेसिपी हो गई और यहाँ पर लच्छे पराठे की तैयारी। अरे अल्लाह
तो सौलिया बना दी लच्छा पराठा। तो अब यहाँ पे हमारा बन रहा है पराठा। तो पराठे के लिए सौलिया है इसमें गेहूँ का आटा और मैदे का आटा दोनों मिक्स करके गुनी थी, और अभी यहाँ पे भाभी उसको बेल के दे रहे, और सौलिया यहाँ पे लच्छे बना रही है। उसको वापस से टर्न करके फिर बेलना हाँ। पड़ता पूरी रोटी। हाँ तो वही बना रही है। तो इसको यहाँ पर नीचे मतलब बेलने के बाद उस पर तेल लगा के मैदा क्या बात है, सीख गया सोलिया मेरे पास रह रही है। क्या सोलिया लच्छा पराठा बना दिया जल्दी की बना दी क्या अच्छा पराठा है। सौलत की गर्मी में भी मोजे पहनती नहीं मेरा तो तो ये बेलना हो गया देखो इसका। तो इसको एक उसमें रख देना सोलिया एक प्लेट व्लेट में गाय में भी और अभी तलेंगे बाद में आधा कच्चा पक्का सेकते हैं ऐसे ही आधा कच्चा पक्का सेकते हैं अभी तलेंगे ना इसको जब पूरा सीखेगा। क्या सीखेगा पराठा पराठा सीखेगा तो क्या सीखेगा पराठा अरे पराठा कुछ नहीं सीखेगा सॉरी ना सही है क्यों मान नहीं इसको ये प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर इसके बाद का बेलना अच्छा ये फटफट होता है बेलने में थोड़ा मोला जाता है। हाँ यार टूट रहे नहीं ना पराठे फिर सीख गई ना सब भाई साले का एक्सपीरियंस हो गया सब इनसे ही सीखते हैं मैं भी पूरा काम करना इनसे सीख रहे वाह थैंक यू क्रेडिट देने के लिए। तो अब यहाँ पे पराठा तल रहे हैं हाँ वो एक ही बार में डाल के जैसा पराठा सेकते हैं पराठा नॉर्मल ही सेकना है वैसे ही। सो गाइस पराठा रेडी है तो बस अभी सब पराठे को वैसे ही तलना है तो बाकी सब रेडी है। सो गाइस ये सर्फ होने जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या बात है साहब बनाने वाले के हाथ काट दिए जाए क्या जिसने ये भी बनाया ये मुजस्समा उसके हाथ काट दिए ये मुजस्समा मुदस्सरा ने बनाया मुदस्सरा ने बनाया। मेरा कैसा मालूम कि भाई मैं गाड़ी चलाने वाला आदमी हूँ तो मेरे हाथ वाथ अगर काट देंगे तो फिर मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। ये देखो गाइस इसको सर्व करने का तरीका है। तो रेसिपी यहाँ रेडी है और माशाल्लाह हमने खाए कैसा लग रहा जी उनको बोलने से पहले मेरे हाथ का नहीं वाला जान रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है बहुत सौलिया ने पराठे बनाए भाई ने सालन बनाए बहुत अच्छा बनाए सब ने सौलिया ने लच्छा पराठा भी एक नंबर बनाया और भाई ने बटर चिकन की जो रेसिपी है हाँ। तो गाइस इसको आप लोग मिस मत करना जरूर एक बार तो मतलब इसको अपने घर में ट्राई करना जब कोई मेहमान आए या कोई आए हाँ। सौलिया थैंक यू बाजी भाईजान यासीन भाभी सबको थैंक यू सो मच सब ने सब चीज थोड़ी 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 सबका हाथ है इसमें और ये बटर चिकन के भाई के हाथ के बटर चिकन ने ना रेस्टोरेंट को भी एकदम फेल कर दिया वाकई में तो हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत मतलब बनाने में तो बहुत मतलब सिंपल ही है अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए तो सिंपल और इजी एंड टेस्टी। तो गाइस रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करना वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो अल्लाह हाफिज़।